इसमें? ये पानी की सप्लाई इसकी बंद हुई है। हाँ, अब ऊपर का इसका सिस्टम यहाँ से काट दिया है, या तो इसको लट वगैरह ने काटा है यहाँ से। ये देखो यहाँ किसी ने काटा है, ये यहाँ से गया है और फिर सप्लाई बंद हो गई। नीचे भी पौधा स्वस्थ है, यहाँ तक स्वस्थ है पौधा, ये दोबारा फुटान भी कर सकता है। हमारे साथ में कृषि स्पेशलिस्ट राजा राम जी भिंडासरा भी है, और वो देख रहे हैं कि इस पत्ती के ऊपर कौन सा रोग है। और इस पत्ते के ऊपर अभी इसके ऊपर माइट का हमला हो चुका है जी, और जेस्ट जिसको बोलते हैं, जेस्ट फिर बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर हमला हो चुका है। इसके ऊपर पीछे पीछे आप दूरबीन से देखोगे, लेंस से देखोगे, हाँ, तो आपको ये सारी चीज दिखाई दे जाएगी। और इसकी जो पत्तियां वो सुकुड़ रखी है, आप लोग ये देख पा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से इस पर बीमारी ने अटैक किया है। जो कीट है, जो कि आंखों से नजर नहीं आते हैं, लेकिन उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर अपन देखते हैं तो वो कीट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी में कैमरा ले जा सकते हो, इसमें आपको थ्रिप्स घूमती दिखाई दे देगी, आपको इसमें भी आपको थ्रिप्स घूमती भी दिखाई दिखाएगी। यहाँ तो तक आई ये यहाँ से गया, ये ना यहाँ से खत्म हुआ, फिर ऊपर पानी की सप्लाई इसकी बंद हुई है। हाँ, अब ऊपर का इसका सिस्टम यहाँ से काट दिया है, या तो इसको लट वगैरह ने काटा है यहाँ से। ये देखो यहाँ किसी ने काटा है, ये यहाँ से गया है और फिर सप्लाई बंद हो गई। नीचे भी पौधा स्वस्थ है, यहाँ तक स्वस्थ है पौधा, ये दोबारा फुटान भी कर सकता है। देखो कितनी स्वस्थ है इसकी। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से हमारे खेतीबाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हमारे साथ में कृषि स्पेशलिस्ट राजा राम जी भिंडासरा भी है, और वो देख रहे हैं कि इस पत्ती के ऊपर कौन सा रोग है। और अभी आप लोगों को दिखा दें कि ये वो पौधा है, अभी आप लोग ये देख पा रहे हैं इसका विकास एक तरह से पूरी तरीके से रुका हुआ है। पत्ता यहीं से इसका तोड़ा है मैंने, हाँ यहाँ से तोड़ा ये, हाँ हाँ। और इस पत्ते के ऊपर अभी इसके ऊपर माइट का हमला हो चुका है जी, और जेस्ट जिसको बोलते हैं, जेस्ट फिर बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर हमला हो चुका है। इसके ऊपर पीछे पीछे आप दूरबीन से देखोगे, लेंस से देखोगे, हाँ, तो आपको ये सारी चीज दिखाई दे जाएगी जी। तो ऐसे प्लांट, ये प्लांट स्वस्थ है और ये प्लांट स्वस्थ है, हाँ। और तो इस पे इस कीट का हमला हो गया तो इस प्लांट की कंडीशन ले लो कैसी होगी, हाँ। ये सिम्पटम संभाल लो, किसान ये सिम्पटम देख के सचेत हो जाए, हाँ। तो किसान भाइयों अभी आप लोग ये देख रहे हैं, ये छोटा पौधा है और इसकी जो पत्तियां वो सुकुड़ रखी है, आप लोग ये देख पा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से इस पर बीमारी ने अटैक किया है। जो कीट है, जो कि आंखों से नजर नहीं आते हैं, लेकिन उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर अपन देखते हैं तो वो कीट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी में कैमरा ले जा सकते हो, इसमें आपको थ्रिप्स घूमती दिखाई दे देगी, आपको इसमें भी आपको थ्रिप्स घूमती भी दिखाई दिखाएगी। तो किसान भाइयों, और ये वो पौधा है, ये भी छोटा पौधा है, ये अपने आप में स्वस्थ है, लेकिन इसके पास में ये जो पौधा है, इस पौधे की जो बीमारी है वो निश्चित तौर पर 100% इस पर भी आएगी, इसमें कोई दोराय नहीं, इसमें भी इसमें व्हाइट फ्लैग हमला हो चुका है। किसान भाइयों आप पौधे की जो पत्ती है उसको उल्टा करके देखें, ये देखो नीचे बारीक बारीक जो जीव दिख रहे हैं ना ये, हाँ हाँ, ये देखो ये तो ये व्हाइट व्हाइट वाली, ये व्हाइट फ्लाई, हाँ, तो इसमें व्हाइट फ्लाई भी है। और तो अगर आप पत्ती की कंडीशन देख करके आप बीमारी का पता लगा सकते हो, पत्ती अगर छोटी रह जाती है, अगर पौधे का विकास अगर पूरी तरीके से नहीं होता है, तो आप ये मान के चलिए कि इसके ऊपर कीट का अटैक हो चुका है, और आप वहाँ अपने जो खेती है उस खेती को आप स्प्रे करके किसी भी कीटनाशक का, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या रासायनिक, लेकिन हमारे साथ में जो स्पेशलिस्ट हैं इनका मानना है कि रासायनिक जो कीटनाशक है उनका प्रयोग ना करके आप जो ऑर्गेनिक हैं, पूरी तरीके से जो जैविक हैं, ऐसे कीटनाशकों का आप उपयोग करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी खेती भी है वो भी बचेगी, और साथ में आपको जो फ्रूट हैं उनके जो फल हैं उसके पैदावार है उसकी भी अच्छी। जाने के बाद में कैसा हो जाता है पौधा, हाँ, इसको पूरी पूरी चूस दिया पौधे को, अच्छा।
तो सर अभी आप इस पत्ते को देख करके आपने क्या 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 अनुमान लगाया, ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन से कीट का अटैक है इसके अंदर? मैंने पहले तो देखा कि शायद व्हाइट फ्लाई का अटैक होगा, लेकिन जब मैंने इसको अच्छी तरह से लेंस से देखा जी, देखने के बाद में इसमें जेसिड भी है और इसके ऊपर माइट का भी हमला है जी, और व्हाइट फ्लाई के शिफ्ट में, ये देखो आपको ये अभी घूमते हुए जानो, ये देखो ये जानो फिर ये घूम रहा है, ये छोटे छोटे जीव है ना ये, जी जी सर ये थ्रिप्स के है, थ्रिप्स है हाँ। अच्छा। तो ये क्या है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमला करते हैं, गर्मी के अंदर ही ज्यादा पैदा होते हैं, अभी बरसात यहाँ है नहीं जी। और ये क्या है कि इसके ऊपर टेम्परेचर हाई चल रहा है तो ये ज्यादा अटैक करेंगे इसके ऊपर। अच्छा तो सर इसके बचाव के क्या उपाय? बचाव के लिए इसमें जैविक का नियंत्रण कर सकते हो आप, एक के कवरेक्स नाम से प्रोडक्ट आता है खंडेलवाल कंपनी का जी, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हो, इससे कंट्रोल में हो जाएगा। दूसरा बवेरिया बेसेना और मेटारिज्म का कल्चर आप मल्टीप्लाई करके आप इस पे डाल सकते हो, ये कंट्रोल में आ जाएगा जी। तो किसान जी। भाइयों अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये कीट का अटैक हुआ है, और जिसे अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसको तो अपन सूक्ष्म दर्शी यंत्र के माध्यम से ही देख सकते हैं जी जी। और राजा राम जी ने इसका उपचार भी बताया है, और आप परामर्श लेना चाहते हैं तो राजा राम जी के नंबर ये नीचे वीडियो में चल रहे हैं, आप वहां जाकर के डायरेक्ट राजा राम जी के नंबर ले सकते हैं और परामर्श है वो भी आप इनसे ले सकते हैं। तो पौधे का फोटो खींच के भेज दो, उसमें कौन कौन से कीट उसमें आ रहे उसका फोटो खींच भेजो मेरे को, मैं बता देता हूँ किसमें क्या करना है। तो किसान भाइयों ये नीचे इनके नंबर चल रहे हैं, वहाँ जाकर के डायरेक्ट आप इनसे बात कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हम एक नई जानकारी, एक नए व्यक्तित्व के साथ में, एक नए कृषि विशेषज्ञों को साथ में लेकर के हम कृषि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।